वेलकम टू माय नेक्स्ट मेडिकल जर्नी। पेट भर खाना खाने और चैनिकिनेंस होने के बाद मैं निकल पड़ा अपने एडमिशन कंप्लीट करने, जो कि अभी सोलापुर मेडिकल कॉलेज में लग गया था। सच में कॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ा और पेशेंट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा था। ये कॉलेज सोलापुर से लगभग 12 किलोमीटर्स दूर कुंभारी में है। कॉलेज में एंटर होते ही सबसे पहले क्रिटिकल केयर यूनिट दिखाई दिया मुझे, जो कि सच में बहुत ज़्यादा बड़ा था। फिर मैं निकल पड़ा मेडिकल कॉलेज के डायरेक्शन में, जहाँ मुझे अपनी एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करनी थी। और सच में कैंपस बहुत बड़ा है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इस कॉलेज में। सच में हर वेराइटी के मुझे यहाँ पे प्लांट्स दिखाई दिए। सच में कॉलेज इतना ज़्यादा हाइजीनिक है कि मुझे लग रहा था कि मैं किसी 5-स्टार होटल में आया हूँ। एडमिशन प्रोसीजर को टाइम था, इसलिए मैं निकल पड़ा कॉलेज कैफेटेरिया में, जहाँ मैंने खाने के लिए डोसा ऑर्डर किया और पास ही में बैठे सीनियर से राय ली कि ये कॉलेज कैसा है, गाइडेंस लिया, पेशेंट एक्सप्लोर वगैरह कैसा है करके। सच में कॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ा था और लगभग पेशेंट फ्लो भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं देख रहा था कि कन्नड़ बाउंड्री, जो महाराष्ट्र की बाउंड्री जहाँ पे आती है, वहाँ से पेशेंट बहुत ज़्यादा इनफ्लो है। पेशेंट का बहुत ज़्यादा इनफ्लो यहाँ पे पेशेंट का मुझे दिखाई दिया, जो कि बहुत अच्छा है मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा पेशेंट है उतना ज़्यादा हमें सीखने के लिए मिलेगा। वैसे तो मैं मम्मी पापा से कह के निकला था कि वॉशरूम जाके आ रहा हूँ, लेकिन चुपके से मैं पूरा मेडिकल हॉस्पिटल देख के आ गया, इसलिए मैं वो मुझे ढूंढ रहे हो कि मैं जल्दी से निकल पड़ा। तब से आप कॉलेज देख लीजिए। जैसे ही एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गए, मैं मेरे मम्मी पापा के साथ निकल पड़ा हॉस्टल देखने, जो कि बिल्कुल बैक ऑफ द कॉलेज था। हॉस्टल का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है और हॉस्टल भी लगभग ठीक ठाक लगा मुझे। और सबसे मेन बात कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। सबसे मेन बात और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि हॉस्टल के अंदर स्टडी रूम अवेलेबल है, जो कि दो बड़े बड़े हॉल्स है, स्टडी हॉल्स, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरी स्टडी रूम में बिल्कुल नहीं होती। ईच रूम हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स और साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम और एक मिनी किचन भी था, जो कि मुझे अच्छा लगा क्योंकि अटैच टॉयलेट बाथरूम इज़ मोस्ट इसेंशियल थिंग। एडमिशन कंप्लीट होने के बाद और हॉस्टल देखने के बाद, क्योंकि मैं सोलापुर फर्स्ट टाइम आया था, इसलिए मैं निकल पड़ा अक्कलकोट के लिए। कैंपस बड़ा होने के साथ साथ यहाँ 3 या 4 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है। कॉलेज के जस्ट साइड में मेन हाईवे जा रहा था, जो कि अक्कलकोट के लिए निकल पड़ा, इसलिए मैं चला गया अक्कलकोट, क्योंकि यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आया था। मैं मेरी नेक्स्ट मेडिकल जर्नी जल्दी आपके साथ लेके आऊँगा, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड